ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और ये 1 कटोरी पिसी हुई शुगर है, इसमें मैं इसको डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी सफ़ेद तिल और नारियल का बुरादा। अगर आपके पास बुरादा नहीं है तो आप अगर घर में नारियल हो उसको छीलकर मिक्सी में बहुत बारीक कर सकते हैं। मेरे पास डेसिकेटेड नारियल था, मैंने वही मिलाया है, वैसे वही अच्छा होता है। और थोड़ा सा हम मिलाएंगे इसमें इलायची का पाउडर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिंदु और आज मैं बना रही हूँ छोटी छोटी सी मीठी पूरियाँ जो कि बिस्किट की तरह बनाऊंगी मैं। अभी हमारे यहाँ एक त्यौहार आता है वट अमावस्या का, जिस पर कि हम बाइने में मीठी पूरियाँ निकालते हैं, लेकिन मैं उन मीठी पूरियों को बिस्किट की तरह बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 कटोरी आटा लिया था और उसमें 1 कटोरी किसी भी शुगर मिलाई, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा और सफ़ेद तिल मिलाए हैं, छोटी इलायची जो हरी इलायची होती है उसका पाउडर मिलाया है और 2 चम्मच देसी घी का इसमें मोइन लगाकर मैंने इसको चिल्ड मिल्क में दूध के साथ मैंने इसका एक टाइट सा डो बना लिया। अब हम इसकी छोटी छोटी सी पूरियां बनाएंगे बिस्किट की तरह, फिर हम उसको फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैंने इसमें डाल दिए तिल सफ़ेद वाले और ये है नारियल का बुरादा और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई इलायची, जिसको कि मैंने थोड़ा सा बादाम डालकर पीस लिया था, वो पीसने में आसानी हो गई। अब इसको पहले सबको मिक्स करेंगे, फिर इसमें मिलाएंगे देसी घी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी और फिर उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स होगा, इसलिए मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाऊंगी। ये मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी और फिर उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है। लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी है और इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 कप चिल्ड दूध जो कि फ्रिज का है, इससे मैं इसका अच्छा सा डो बनाऊंगी। जरूरी नहीं है सारा दूध डालना है, जिससे इसका टाइट सा डो बन जाए बस उतना। इसका एक टाइट सा डो बना लिया है और ये इतना दूध बच गया है, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और इसके बाद हम बनाएंगे इसकी छोटी छोटी बिस्किट टाइप में पूरियां। मैंने एक प्लास्टिक की शीट के ऊपर एक बड़ी सी लोई लेकर इसको कुछ इस तरह से मैंने बेल लिया। अब मैं इसमें से गोल गोल कट करूंगी। ये एक मैंने ढक्कन टाइप का लिया है, जिससे मैं इसमें इस तरह से कट लगा दूंगी तो ये गोल गोल कट जाएंगे। ये कटने के बाद कुछ इस तरह से एक सार गोल कट गए हैं और इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। ये लगभग कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई हैं और अब इनको डीप फ्राई करेंगे। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। मैं कॉइल चढ़ा दिया है, मैं इसको रिफाइंड ऑयल में ही बनाऊंगी, लेकिन मैं इसमें जो मोयन डालती हूँ वो डालती हूँ देसी घी का, जिससे कुरकुरी बनती है और अंदर तक अच्छी सिकती है, स्वाद भी अच्छा आता है बनने में। तो अभी हमारा जब तेल गर्म हो जाएगा, जब हम इसमें एक एक करके इसको छोड़ेंगे, पहले एक छोड़ के देखते हैं। हाँ, ऐसे करके मैं पहले इसमें 4 ही बनाऊंगी एक साथ, खूब सारी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी थोड़ी करके ही बनाऊंगी ताकि ये टूटे ना। और अब इनको हल्की आंच में सेकना है। ये हल्की हल्की नीचे से सिकती हैं, तभी पलटेंगे इनको, नहीं तो टूट जाएंगी। और कढ़ाई को हल्का हल्का ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे एक जने पर ना लगे रहे।
धीरे से पलटा है और आप इन्हें पलट पलट कर अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ा सा कलर इनका इनको नीचे उतारने के बाद भी बदलता है, इसलिए ज़्यादा डार्क ना करें कढ़ाई के अंदर। ये कुछ इस तरह से हुई है, तो अच्छी लग रही है ना सिकने के बाद, बिल्कुल जैसे बिस्किट हो। और तिल भी एक भी कढ़ाई में नहीं आया और सब पूरियों में ही चमक रहे हैं। तो आप इनको मीठी छोटी छोटी सी पूरियाँ भी बोल सकते हैं, बिस्किट भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ तो इसी तरह से बनते हैं। मैंने दूसरी बार की कढ़ाई में डाल दी और उनको भी इसी तरह से सेक लेंगे। दूसरे बैच की भी तैयार हो गई है, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक ही करके। ये कुछ सिकने के बाद इस तरह से लग रही है। इसके बाद एक बार की और बनेंगी। ये देखना ये सब तैयार हो गई है और बनने के बाद कुछ ऐसी लगी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैंने इनमें देसी घी डाला है, तो उससे बहुत खुशी हो जाएंगी और इनको 8-10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। बस इसको भी बंद नहीं करना है, ठंडी हो जाएगी जब हम इसको बंद करेंगे, नहीं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगी अगर हम इनको गर्म ही बंद कर देंगे तो। ये थी मेरी आज की मीठी पूरी की रेसिपी। और ये देखने में भी बिस्किट जैसी लग रही है और खाने में भी इनका स्वाद बिस्किट जैसा ही होगा। बहुत कुरकुरी बनेंगी ये और सॉफ्ट भी बनेगी, इसको बड़े बूढ़े भी बहुत आराम से खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये व्रत अमावस्या पर जरूर बनती हैं, जैसे करवा चौथ का त्यौहार होता है, अहोई का त्यौहार होता है या व्रत अमावस्या का, तो हमारे यहाँ ये इन पूरियों से बायना निकालते हैं। तो हम इनको पहले दिन बनाकर रख लेते हैं ताकि जिस दिन त्यौहार हो उस दिन इसमें बनाने में टाइम ना लगे, क्योंकि जल्दीबाजी में फिर अच्छी चीज़ नहीं बन पाती। पहले दिन हम इनको आराम से तैयार करके रख लेते हैं क्योंकि त्यौहार पर और भी बहुत काम होता है इसलिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छी लगती है और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती है।